आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश आज पूजा साधना विधान दक्षिण मुखी काल भैरव का जो आप अपने घर में कर सकते हैं मैंने आप लोगों को शुरू से बताया है कि काल भैरव की साधना आपके घर में नहीं हो सकती है काल भैरव उग्र देवता है तो जब आप उग्र देवता की साधना करते हैं तो माहौल जो है देवी देवता के अनुरूप आपके घर में बनता है ठीक है तो जो सधे वे साधक होते हैं उनको पता होता है कि क्षेत्र बंधन कैसे करना है लेकिन जो आम गृहस्थ साधक है उनके लिए काल भैरव की साधना जब आप बहुत डिटेल में नहीं जानते हैं तो उसको घर के बाहर करना चाहिए क्योंकि मैं हमेशा बताता हूं किसी वृक्ष के नीचे या किसी काल भैरव मंदिर में जाके साधना करो आज मैं आपको दक्षिणवर्ती भैरव की पूजा बताऊंगा दक्षिणवर्ती भैरव वो होते हैं जो दक्षिण मुखी होते हैं हर जगह काल भैरव की जो स्थापना होती है वो दक्षिणवर्ती नहीं होती है क्योंकि दक्षिणवर्ती तंत्र हो जाता है ठीक है तो जैसे हमारे रांची वाले भैरव बाबा हैं तो ये दक्षिण मुखी हैं तो इनकी जब आप उपासना करेंगे तो दक्षिणवर्ती भैरव के रूप में करेंगे तो बहुत सारा उसका पूजा पद्धति विधान होता है हम जब गुरुमुख हो जाते हैं और हम जब साबर मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो उसमें विधि विधान कम होता है लेकिन अगर हमको घर के हिसाब से करना है पूजा हमें अगर घर में पूजा करना है घर में हमें काल भैरव की स्थापना करनी है बहुत सारे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है बहुत सारे घर में सालों का कर्स हो सालों का ब्लैक मैजिक हो या ऐसा हो जाता है कि कोई ग्राम देवता रुष्ट हो जाते हैं ठीक है वैसे मैं आप हमेशा किसी साधक को बुला के किसी को बुला करके साधना करवाए ऐसा संभव नहीं होता है ऐसे लोगों के लिए आज का मैं विधान बता रहा हूँ इसमें क्या चाहिए इसमें थोड़ी सामग्री के लिए ज़्यादा होती है तो एक तो आपको दक्षिण मूर्ति भैरव की तस्वीर आपके पास होनी चाहिए तो अगर दक्षिण मूर्ति भैरव की तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग तस्वीर अवेलेबल है वो है रांची वाले भैरव बाबा की तो उनकी एक तस्वीर प्रिंट करके आप रख लें ठीक है गणपति के रूप में पूजने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा हल्दी का पाउडर को लिंग के रूप में गोल घुमा के रख लेना होगा तो वो हम लोग गणपति के रूप में पूजा करेंगे देखो एक विषय है कि भैरव की पूजा जहाँ होगी ठीक है वहाँ दो देव देवता की पूजा होना हो, बहुत आवश्यक होता है कौन है ये दे, दो देवता एक तो गणपति है मैंने आप लोगों को बताया था कि गणपति ऐसे देवता हैं जिनका जो प्रादुर्भाव हुआ वही उच्चिष्ट हुआ अघोर किसी चीज को उच्चिष्ट नहीं मानता है ठीक है तो गणपति का जो जन्म हुआ वक्रतुंड का जन्म हुआ वो भगवती पार्वती के मैल से हुआ था उससे एक मूर्ति बना जिसमें कि प्राण आया और वो गणपति हो गए तो इसकी पूजा आ, सब लोग करते हैं लेकिन हम लोगों के पूजा में इनका विशेष महत्व है इसीलिए वक्रतुंड की हम लोग स्थापना करते हैं जब भैरव जी की हम लोग साधना शुरू करते हैं देखो जब आप भैरव जी जैसे उग्र रूप की साधना कर रहे हो तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी कुछ देवी देवताओं की हम साधना करते हैं तो एक वक्रतुंड की साधना हम करते हैं ठीक है साथ में एक दिया जलाते हैं उसको हम चामुंडा मानते हैं भगवती के साथ भैरव जी के साथ माता चामुंडा की साधना करते हैं ठीक है और जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो हम लोग पहला जो नि, निवेदन करते हैं वो विष्णु को करते हैं ठीक है तो ये दूसरा सामग्री हो गया चंदन पाउडर थोड़ा सा हम लोग चंदन का पाउडर रखेंगे थोड़ा कुमकुम -कुम रखेंगे क्योंकि भैरव की पूजा है तो राख चाहिए मसान का राख नहीं चाहिए कोई हवन किया हो उसका राख इसमें चलता है घर में मसान का राख ऐसे भी नहीं लाना चाहिए ठीक है धूप रखेंगे गूगल का ठीक है कुछ अगरबत्ती रखेंगे एक दीपक रखेंगे सरसों के तेल का जो भैरव बाबा के सामने जलाएंगे दूसरा दीपक रखेंगे घी का जो माता या फिर और देवी देवताओं के सामने जलाएंगे ठीक है एक वस्त्र रखेंगे लाल रंग का भैरव बाबा के लिए कुछ अक्षत रखेंगे चावल के दाने ठीक है कपूर रखेंगे इसमें आसन जो हम लोग प्रयोग करेंगे वो लकड़ी का होगा जो लकड़ी का पीठा बोलते हैं उस पर बैठ के हम पूजा करेंगे ठीक है दो तांबे का लोटा ठीक है एक पंचपात्र जिसको कहते हैं है ना एक आरती के लिए थाली इतनी सामग्री हम लोग रखेंगे और एक कलश की स्थापना करेंगे कलश की स्थापना कैसे करेंगे तो मिट्टी का कलश लेंगे उसमें एक पान का पत्ता डालेंगे पाँच सुपारी डालेंगे थोड़ा अक्षत डालेंगे ठीक है उसमें एक द्रव्य डालेंगे मतलब एक सिक्का डालेंगे और उसके बाद उसको हम लोग बंद करके उसके ऊपर एक नारियल रखेंगे जटा वाला जिसको हम लाल कपड़े से बांध देंगे ठीक है तो इतना कुछ करने के बाद और हाँ ये जो पुष्प हम चढ़ाते हैं पुष्प तो समझा हुआ चीज़ है उसके भैरव जी का अभिषेक होता है तो किन चीज़ों से अभिषेक होता है तो जिन चीज़ों से महादेव का अभिषेक होता है उन चीज़ों से भैरव जी का अभिषेक होता है तो किलो क्विंटल में नहीं होता है आप तस्वीर पे अभिषेक करते हैं तो कैसे करते हैं तो पुष्प को लेते हैं जो भी अभिषेक की सामग्री उसमें सटाते हैं और उसके भैरव बाबा को अर्पित कर देते हैं तो कम से कम जल से अभिषेक होना चाहिए जल होना चाहिए जल के अलावा घी से दही से मधु से दूध से हाँ इन सब चीजों से भैरव जी का अभिषेक होता है ठीक है मतलब जो महादेव को चढ़ता है वो सब भोग में आप भैरव बाबा को रोज़ क्या देंगे भोग में भैरव बाबा को उड़द का वड़ा चढ़ता है खीर चढ़ता है गुड़ वाला ताज़े फल चढ़ते हैं जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो चढ़ते हैं दूध आप दे सकते हैं भैरव बाबा को दही दे सकते हैं मधु दे सकते हैं और शक्कर दे सकते हैं ये सब चीज़ भैरव बाबा को नवेद में घर में चढ़ाया जाता है ठीक है घर में आप भैरव की साधना में कारण नहीं देंगे या कोई भी जो मांसाहार है वो नहीं चढ़ाएंगे ठीक है वो जब आप मंदिर में पूजा करें तो करेंगे इनकी पूजा हम लोग नौ से बारह के बीच में गृहस्थ करते हैं और बारह से तीन जो है वो हम साधक लोग करते हैं ठीक है तो दो अलग स्थान देंगे एक वस्त्र रखेंगे नीचे उस पर भैरव जी की तस्वीर रखेंगे और दूसरा वस्त्र रखेंगे जिसमें जो हमने गणपति बनाए हल्दी पाउडर से वो रखेंगे उसको बस एक छोटा सा पोल जैसा बना लेना है समझ रहे हैं शिवलिंग जैसा बनाया है नीचे का जो योनि है वो नहीं बनाना है वैसा उसको हम लोग गणपति मान करके उसकी पूजा करेंगे ठीक है थोड़ा सा अक्षत लेंगे अपने राइट हैंड में और उसके बाद अपना नाम लेंगे और बोलेंगे कि हे कालभैरव मैं आपका आवाहन करता हूँ आपकी पूजा मैं आपको देना चाह रहा हूं आप ये पूजा ले जब तक मैं पूजा करूं आप यहाँ पर स्थान ग्रहण करें करे। ठीक है उनको घर में नहीं बैठाना है ठीक ऐसे तो जो विधि है उसमें बहुत तरीके का विधान है लेकिन हम लोग उसमें नहीं जाएंगे ठीक है हम लोग सिर्फ और सिर्फ मंत्र और जो सामग्री है उससे बाबा का पूजन करेंगे ठीक है तो सबसे पहले गणपति का ध्यान करेंगे तो जो पुराना आप लोगों को पहले भी बताया है वो सब जो मंत्र है उनसे गणपति का ध्यान होता है सबसे पहले विष्णु को एक बार शुक्लाम्बरम धर्म विष्णु शशिवर्णम चतुर्भजम इस मंत्र से विष्णु भगवान का एक बार ध्यान करेंगे उसके बाद गणानंद तो गणपति गुम हवा प्रियनाम प्रियपति गुम हवा ये मंत्र पहले भी बताया है इस मंत्र से गणपति की पूजा कर लेंगे ठीक है उसके बाद एक माला या फिर कम से कम सात बार गणपति का जाप करेंगे ओम वक्रतुंडाए फट ओम ओम ठीक है दोनों हाथ जोड़ के भैरव जी का ध्यान करेंगे ओम नमो भैरव रूपाय भैरवाय नमो नमः ओम नमो भैरव रूपाय भैरवाय नमो नमः नमः सिद्धि रूपाय सिद्धाय नमो नमः नमो वटुक रूपाय काल भैरवाय नमो नमः ठीक है वटुक रूप में इनका ध्यान करेंगे देखो जब लोग बोलते है कि वटुक भैरव की साधना करनी है काल भैरव की साधना करनी है ठीक है तो मूल रूप वटुक भैरव का था काल भैरव का ही रूप वटुक भैरव है और वटुक भैरव का ही रूप जो है वो काल भैरव ठीक है और जब भी हम कुछ भी Uh, काल भैरव को अर्पण करते हैं तो उसको ऐसे ही करते हैं मतलब जैसे अक्षत है ठीक है तो ओम वटुक रूपाय काल भैरवाय नम अक्षतम समर्पयामी अब जैसे हमने बोला अक्षतम समर्पयामी तो अक्षत और फूल लेंगे और भैरव जी को चढ़ाएंगे ठीक है ओम वटुक रूपाए काल भैरवाय नम पाद्यम समर्पयामी तो थोड़ा सा जल देंगे एक पुष्प लेकर के और भैरव जी को समर्पित करेंगे इसी तरीके से अलग अलग जो सामग्री हमने लेकर के रखी है ओम वटुक रूपाए काल भैरवाय नमः धूपम दृश्यामी ओम वटुक भैरवाय काल भैरवाय नमः आचमन्यम समर्पयामी और जो नवेद है जो अभिषेक की सामग्री है वो सब पुष्प में सटा सटा के तस्वीर के सामने रखते जाएंगे तस्वीर को मत न लाइएगा ठीक है एक बार जब ये सब आप कर लेंगे तो भैरव जी को प्रणाम करेंगे कैसे प्रणाम करेंगे ओम ॐ वटुकारूपाय कालभैरवाय नमः ॐ भैरवाय नमः ॐ भूतनाथाय नमः ॐ क्षेत्रपालाय नमः ॐ सिद्धाय नमः सम न्याय नमः ॐ शलपानाय नमः ॐ भैरवीनाथाय नमः ॐ योगिनीपतये नमः ॐ धनये नमः ॐ धनावते नम ओं प्रीतिवर्धने नम ओं नागहराय नम ओं नागपाषाय नम ओं कालाय नम ओं दिंबा नम ओं वटुकाय नम ओं स्तंभने नम ओं शोभनाय नम ओं वैद्याय नम ओं शंकर प्रिय बंधा वे इतना करने के बाद फिर से ओम वटुक रूपाय काल भैरवाय नम ठीक है तो इतना जब आपने कर लिया तो आपने वटुक भैरव जी को आवाहन करके उनको प्रणाम कर दिया उसके बाद दक्षिण मुखी भैरव का जो मंत्र है वो है ओम ध्यान से सुनिएगा ओम ब्रह्म 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 भैरवाय नमः ओम भ्रम भ्रम भ्रम, भ्रम भैरवाय नम फिर से सुनिए ओम भ्रम भ्रम भ्रम, भ्रम भैरवाय नम ये मंत्र का आप जाप करेंगे दस माला या जो भी आप सक्षम है कम से कम एक माला करना चाहिए रोज नौ से बारह के बीच में और कोशिश होनी चाहिए कि रोज आप दशांश हवन कर ले मतलब अगर एक सौ आठ जापा है तो ग्यारह बार का दशांश हवन ओम ब्रह्म 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 भैरवाय नमः फट स्वाहा अगर उग्र करना है नहीं तो भैरवाय नमः स्वाहा ठीक है इसमें क्या हवन सामग्री लगेगा तो लौंग और गूगल बाबा का बहुत प्रिय है सामग्री अगर कम है तो उसमें काला उड़द मिला दीजिए ठीक है उसमें थोड़ा मधु मिला दीजिए और ऐसे आप बाबा का हवन कीजिए तो ये डेली एक पूजा पद्धति काल भैरव की आप अपने घर में रोज कर सकते हैं और इससे ये होगा कि आपके घर का जो एनर्जी लेवल है वो हमेशा हाई रहेगा किसी भी तरीके का उत्चारण या कोई भी कर्म जो आपके परिवार पे करेगा वो भैरव बाबा बैठे हुए हैं वो देखते रहेंगे एक विषय और है जो इतना नहीं कर सकते हैं वो जब सुबह पूजा होता है जब घर में पूजा करते हैं तो एक चौमुखी दिया रखिए उसमें कम से कम तीन प्रकार ज़्यादा से ज्यादा आठ प्रकार का तेल मिलाइए और उसके बाद उसको जलाते वक्त भैरव का आवाहन कीजिए हे काल भैरव मैं आपका आवाहन करता हूँ मेरे घर की सुरक्षा करो इतना करने से भी आपका घर ब्लैक मैजिक से सुरक्षित रहेगा आज के लिए इतना ही जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो तो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव इसमें हम अघोर में गुरु मंत्र लेने से पहले का जो भी विधान वो सिखाते हैं जिनको डायरेक्ट बात करनी है वो कॉल नहीं फॉर आप पर वो तो टीम एड सर्च एम फोर करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा बहुत अर्जेंट हो तो डब्ल्यू 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 डब्लू तंद्रे डॉट एक्स आईज पर जाएगी या डॉट कॉम पर जाएगी वहाँ पर आकर पढ़ लेंगे मेरा बाबा आपका करेगा करेंगे मेरी काम नहीं होगा मैं आपसे मेरे को आदेश आदेश